नमस्कार मुखिया जी। नमस्ते नमस्ते। गांव के सभी लोग आ गए? हाँ मास्टर जी, बस शंभू का इंतजार आ रहा है। अरे क्या शंभू, कितनी देर कर दी और क्या बात, तुम इतने घबराए हुए क्यों? मुखिया जी, आज तो बस दुर्घटना होते होते रह गई। अरे क्या हुआ? मैं सड़क पार कर रहा था और तभी ना जाने ट्रक कहाँ से आ गया। बाल बाल बचा। चलो बैठे बैठ। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। भाइयों, आज जो शंभू के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। कल किसने देखा है? तो क्या आपने सोचा है कल को अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे परिवार का क्या होगा? कैसे अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं, यही बताने के लिए आज मैंने बैंक मित्र जी को यहाँ बुलाया है। सबको मेरा प्रणाम। प्रणाम। आप लोगों ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अपना खाता तो खोल लिया, पर क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सरकार 1,00,000 रुपए का दुर्घटना बीमा देती है? दुर्घटना बीमा? जी हाँ, दुर्घटना बीमा। दुर्घटना बीमा के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने या पूर्ण विकलांगता होने पर 1,00,000 की राशि मिलेगी। मतलब अगर कोई दुर्घटना होती है तो ये बीमा हमारे परिवार की बुरे वक्त में सहायता करेगी। इससे तो हमारे और हमारे बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। ये तो आपने बड़े काम की बात बताई बैंक मित्र जी। पर ये बीमा चलती रहे इसके लिए जरूरी यह है कि आप अपने रुपए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल महीने में एक बार जरूर करें। पैसे भले ही ना निकालें, शेष राशि जानने के लिए सही इस्तेमाल जरूर करें और खाते से केवल उतनी ही राशि निकालें जितने की आवश्यकता है। इससे आपकी बचत में बढ़ोतरी होती है। जरूर करेंगे। जरूर करें। और अगर हमारी मृत्यु सामान्य रूप से हुई तो? ऐसा होने पर आपके परिवार को 30,000 रुपए का जीवन बीमा लाभ दिया जाएगा, जो 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 तक बैंक में पहली बार खाता खोल रहे हैं। पर हमारा खाता तो 15 अगस्त के पहले ही खुला है, तो हमें भी कोई बीमा लाभ मिलेगा? जी हाँ, एक और सरल सूक्ष्म बीमा योजना भी है। इस बीमा में ऐसी क्या खास बात है बैंक मित्र जी? इस योजना के तहत कोई भी 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का बीमा करा सकता है। इस बीमा से आप आने वाली मुसीबतों का सामना आसानी से कर सकते हैं। अगर किसी के घर या खेत में आग लग जाती है, किसी की सेहत बिगड़ जाती है या दुर्घटना हो जाती है, तब वो क्या करेंगे? इसमें दो प्रकार के बीमा होते हैं। पहला सामान्य बीमा, जिसमें झोपड़ी, पशुधन, उपकरण या औजार या कोई व्यक्तिगत दुर्घटना का बीमा शामिल है, और दूसरा है जीवन बीमा। बैंक मित्र जी, ये बात थोड़ा और विस्तार से समझा दीजिए, है ना? यह आवधिक बीमा है जो लाभ के साथ या लाभ के बिना भी मिलता है। साथ ही स्वास्थ्य और बंदोबस्ती बीमा भी जीवन बीमा में शामिल है। इसे व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से लिया जा सकता है। यह सूक्ष्म बीमा आपको बैंक और बीमा कंपनियों के ओर से मिलती है, और इस बीमा को आप तक पहुँचाने के लिए मेरे जैसे बैंक मित्र को नियुक्त किया गया है। आप अपने गाँव के किसी भी बैंक मित्र से इस सूक्ष्म बीमा के बारे में जानकारी पा सकते हैं। क्यों, हुई ना कम प्रीमियम यानी कम किश्तों में आपके जानमाल की सुरक्षा? समझ गया बैंक मित्र जी, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारा परिवार आराम से रहेगा। बिल्कुल चाचा जी। और चाचा जी, अब बात करते हैं तब की, जब आप बूढ़े हो जाओगे और काम करना संभव ना हो पाएगा, उस समय भी आप खुद की कमाई पे निर्भर रह सकते हैं और आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो कमाएंगे नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे? आप कल आत्मनिर्भर रह सको, इसकी शुरुआत आपको आज से ही करनी होगी। सरकार के द्वारा शुरू की गई पेंशन योजना स्वावलंबन के जरिए निवेश करके आप सालाना 1,000 से लेकर 12,000 तक निवेश कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो सरकार भी 1,000 रुपए सालाना आपके खाते में डालेगी। इस तरह आप अधिक से अधिक निवेश करके अधिक पेंशन पा सकते हैं। तब तक तो काफी बड़ी रकम जमा हो जाएगी, लेकिन मिलेगी कब? इस जमा राशि से अपनी पारिवारिक स्थिति के अनुसार पेंशन प्राप्त कर सकते, मतलब काम से छुटकारा आमदनी से नहीं। और हाँ, एक बात जरूर याद रखें, सरकार की यह योजना 2016-2017 तक की है, तो जल्द से जल्द इसमें निवेश करिए ताकि आप समय अनुसार समुचित पेंशन पा सके। जी हाँ, तो भाइयों सारी बात समझ में आ गई? हाँ, अरे जोर से बोलिए हाँ। बैंक मित्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर जी, आपने हम लोगों के फायदे की बात इतनी सरलता से समझाई। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे ताली बजाओ बैंक मित्र जी के लिए।
दाता बनेगा अपना भाग्य।